बलात्कार के, महिला उत्पीड़न बलात्कार के मामलों में पुलिस की ओर से न्यायोचित कार्रवाई जरूरी है। यानी राजस्थान में ये कार्रवाई नहीं हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं, उनके ही सरकार की महिला आयोग की चेयरपर्सन ये बात कहती है कि अगर ये न्यायोचित कार्रवाई होते तो मुझे लगता है, उनको लगता है कि राजस्थान में महिला उत्पीड़न कम होता। तो ये बहुत ही दुखदायी स्थिति है मित्रों। राजस्थान में अभी आपने जालूपुरा की घटना देखी, किस प्रकार तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। वो मोनू सोनू क्या नाम है उसका, वो कहता है कि मेरे रिश्तेदार हैं विधायक, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। FIR में उस विधायक के नाम की भी कहीं चर्चा नहीं है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि क्या आलम है राजस्थान का। राजस्थान की सरकार महिला को लेके असंवेदनशील की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। राजस्थान में बोलने को शब्द नहीं रहे, आंसू भी अब निकलते नहीं है। ये आलम है राजस्थान में कि अखबार के पन्ने और टीवी चैनल खोल के बैठो तो दिल बहुत दुखता है। कुल मिला के बार बार हम लोग इस्तीफा मांगे और ये करें वो करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सीधे तौर पे गहलोत साहब, चूंकि गृह मंत्रालय उनके पास है, उनको बार बार मैं कहती हूँ कि अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आपके विधायक, मंत्री के बेटे, आपके विधायक के रिश्तेदार, सभी लोग बलात्कार में इन्वॉल्व है। ये बहुत दुखदायी स्थिति है। आगे के लिए मैं आंकड़ों के साथ मैं चाहूँगी कि लक्ष्मीकांत जी रखें, क्योंकि मुझे महिला विषय पे बोलना था। आप सभी को नमस्कार। राजस्थान कांग्रेस पार्टी के शासन में आज अपने इतिहास के सबसे भयावह दौर से गुजर रहा है। आज एक ऐसी घटना हुई है राजस्थान में जिसको सुनकर, जिसको देखकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। निमराणा के साजापुर इलाके में एक 8 साल के दलित बच्चे का गला काट दिया गया। गला काटने से पहले उसके शरीर पर चाकू गोदे गए और एक 8 साल के बच्चे को गला रेत कर मार दिया गया। दलित बच्चे की हत्या हो गई। कल शाम से वो बच्चा अपने घर से लापता था। परिजन पुलिस के पास गए और पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। दूसरे दिन सुबह घर से केवल 500 मीटर दूर उसकी लाश मिलती है। ये राजस्थान का आज का आलम है कि पुलिस जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट करने के बाद भी तुरंत कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करती। राजस्थान की स्थिति यह है कि आज प्रतिदिन यहां पर आधा दर्जन से ज्यादा हत्याएं होती हैं। अभी आज ही की घटना है कि लून करणसर में एक युवक को मार दिया गया। एक कल की घटना है झुंझुनू में, वहां एक आदमी की हत्या हो गई। परसों सीकर में हत्या हो गई। दिन प्रतिदिन लोगों की जो हत्याएं हैं वो राजस्थान के इस कुशासन के काल में बढ़ती ही जा रही है। आज स्थिति यह है कि राजस्थान में कोई सुरक्षित नहीं। जोधपुर की परसों की घटना आप सब लोगों को ध्यान होगी, पुलिस के सब इंस्पेक्टर के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई। आज ही एक महिला कांस्टेबल को के ऊपर वहां पर क्रेन चढ़ा दी गई जोधपुर में। तो जो रक्षक हैं उनकी भी रक्षा करने के लिए किसी और को आने की जरूरत महसूस हो रही है। राजस्थान के इस कुराज ने राजस्थान के माथे पर ऐसा कलंक लगाया है जो कभी मिटने वाला नहीं। मैं आपको बताऊं कि ये जो सिस्टम है कांग्रेस पार्टी का, इसने राजस्थान की जनता की परवाह करना उसी दिन से छोड़ दिया था जिसने शपथ ली थी। उसी दिन से लूट खसोट में और अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। राजस्थान के मुखिया जो कि यहाँ गृह मंत्री भी हैं, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि राजस्थान में हो क्या रहा। आप में से कोई भी ये जानकर आश्चर्य करेगा कि किसी भी सरकार में जो कानून व्यवस्था है उसकी समीक्षा के लिए हर 6 महीने में कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस होती है और वहां पर मुख्यमंत्री उसकी 2 दिन तक मीटिंग लेते हैं और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हैं। राजस्थान की इस निकम्मी सरकार के राज में कितने महीने हो गए कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। और राजस्थान की पुलिस किस तरह से काम कर रही है। राजस्थान के DGP का एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा पिछले 2 दिन पहले का, कि राजस्थान की एक FIR जिसमें अभियुक्त था एक हरियाणा का युवक, उसको राजस्थान में अभियुक्त मानकर इन्वेस्टिगेशन राजस्थान की पुलिस कर रही थी। राजस्थान के DGP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इस घटना में इस संलिप्त इस युवक का कोई लेना देना इस घटना के अंदर नहीं है। दिन में मुख्यमंत्री का बयान आता है और रात को DGP का स्वर बदल जाता है। तो इसी से पता लगता है कि राजस्थान की पुलिस पुलिसिंग नहीं कर रही है बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की भूमिका में काम कर रही है। राजस्थान के DGP की भी यही भूमिका। ये सब देखकर लगता है कि राजस्थान भगवान भरोसे है और 56 महीने के कांग्रेस पार्टी की सरकार में इसमें केवल लूट खसोट के अलावा राजस्थान की जनता को भगवान भरोसे छोड़ रखा है। मैंने एक RTI डाली कि राजस्थान में पॉक्सो के कितने मामले
1 जनवरी 2019 से लेकर अप्रैल 2023 तक दर्ज हुए हैं। आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा कि केवल इतने समय में राजस्थान जैसे शांतिपूर्ण प्रदेश में पॉक्सो के 14,441 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 14,441 मुकदमे, ये मेरे द्वारा डाली गई आरटीआई में राजस्थान की सरकार का जवाब। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में ना महिलाएं सुरक्षित है, ना पुरुष सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित। इस घोर अन्यायी सरकार के राज में जो आज दृश्य सामने आने लगे हैं, इन सब दृश्यों ने राजस्थान के माथे पर कलंक लगाने का काम किया है। जो जिस बच्चे की आज हत्या हुई है, हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस परिवार तक पहुंचे हैं, सरकार अब तक नहीं पहुंची है, जिसकी जिम्मेदारी है। आप सोचिए, उस 8 साल के बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा कि जिसकी चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिसको चाकू से गोदा गया और अपने घर से 500 मीटर दूर उसकी लाश मिली है, पुलिस की कोई मदद उसके परिवार तक पहुंची नहीं। अगर समय पर हो सकता है पुलिस एक्शन लेती तो उस बच्चे की जान बच सकती थी। ऐसे कितने मामले राजस्थान में रोज हो रहे हैं। झुंझुनू में पिछले 1 सप्ताह में 3 बार गोलीबारी की घटना हुई। मुख्यमंत्री के शहर जोधपुर में कितनी गोलीबारी की घटना हुई। पैसे मांगे जाते हैं फिरौती के नाम पर गोलियां चलाकर। आज ये राजस्थान जो ऐसे दृश्य देखने का आदि नहीं था, उसको कांग्रेस के राज में रोज देखने को मिलने। बांसुर में हमारे जिला परिषद के सदस्य के घर के ऊपर गोलियां चल गई, पैसे मांगे जा रहे हैं। कल ही एक झोटवाड़ा में युवक का अपहरण हुआ, 11 लाख की फिरौती मांगी गई। ये सब जो राजस्थान में हो रहा है, ये आज राजस्थान की जनता बहुत करीब से देख रही है। हम प्रत्येक पीड़ित जो इस प्रदेश में कांग्रेस के शासन से, कांग्रेस के कुराज में हुआ है, उसके साथ हैं। हमारी टीम हर जगह पर जा रही है, उनके लिए धरने, प्रदर्शन, आंदोलन करके उनके लिए न्याय की कोशिश कर रही है और निश्चित रूप से इस अन्यायी सरकार को जगाने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। विष्णु जी लेट आए, मैंने देख लिया। हमारी नजरें बहुत पैनी है। आप लोग के कोई सवाल हैं या चाय पिए आप लोग के संग? निश्चित रूप से होगी। हम मुद्दे उछाल नहीं रहे हैं, बल्कि फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा मुकदमे राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के शासन में 56 महीने में दर्ज हो चुके हैं और ये रिकॉर्ड है कि 7,600 से ज्यादा हत्याएं पिछले 56 महीने में राजस्थान में हुई हैं। तो जिन जिन घटनाओं में प्रशासन की लापरवाही सामने आएगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और एक अच्छा सुशासन जो 3 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है उसमें भारतीय जनता पार्टी देगी। ऐसा है, हमने आपको जो सरकारी रिकॉर्ड है उसमें सारी जानकारी फैक्ट्स के साथ दी है। दूसरी बात यह है कि राजस्थान की जनता ने हमको विपक्ष के रूप में यहाँ भूमिका दी है कि जनता की हम आवाज़ उठाएं और वो आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं। और हम कोई सरकार के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा रहे हैं जो कि लोगों के सामने नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो फैक्ट हैं और जिनके आधार पर राजस्थान की जनता पिछले 56 महीने से जिस सरकार को भोग रही है, उस सरकार के खिलाफ विपक्ष के रूप में हम लोग आरोप भी लगाएंगे और जब हमारी सरकार बनेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अरुण जी, आपको लग रहा है कि हम लोग टीवी एंकरिंग कर रहे हैं। ये जो आंकड़े हमने पेश किए हैं वो हमारे घर से नहीं आए हैं, आप ही लोग के समाचार पत्रों से, आप ही लोगों के टीवी चैनल से सरकार के दस्तावेज के आंकड़े आप लोग के सामने पेश किया है। टीवी एंकरिंग आप भी कमाल करते हो अरुण जी, ऐसे होती है टीवी एंकरिंग? सरकार के द्वारा ये कहा गया कि ये आंकड़े जी, मैं तो मात्र 36 घंटे के आंकड़े आपको दिए, हम पूरे 5 वर्ष या 4.5 साल के नहीं दिए हैं अभी, मात्र क्योंकि हम लोग रोज मिलते हैं आप लोग से,
36 घंटे के आंकड़े आपको दिए, और जो सबसे ज़्यादा पेनफुल वाला इशू था जो मैंने आपके सामने रखा कि राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष भी ये कहती है कि कार्रवाई अगर पुलिस त्वरित गति से करे तो इन पे अंकुश किया जा सकता है, यानी राजस्थान की सरकार पुलिस प्रशासन फेलियर है, ये उनका कहना है, उस बात को ही रखा। और दूसरा, आप देखते जाइए ना, आंकड़े भी देखते जाइए ना, बलात्कार के आंकड़े अगर हम लोग 18 से देखते हैं तो आप सामूहिक बलात्कार और बलात्कार दोनों अलग, दोनों आंकड़े अलग हैं। 2019 से ही मैं कहती हूँ 2984 बलात्कार हुए थे 2019 में, और सामूहिक बलात्कार हुए थे 571, और आज अगर 22-23 का रिकॉर्ड सरकार नहीं दे रही है, अभी मार्च में जो आना चाहिए था वो अभी तक सरकार छुपा के रखी है, वो बलात्कार के मामले 2601 बलात्कार और सामूहिक बलात्कार 585। तो सरकार जो अभी ये जो वन ईयर का टेन्योर था मार्च टू मार्च, वो सरकार छुपा के रखी है, लेकिन फिर भी ये डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। और सरकार घोषणाएं करती है कि हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, हम बहुत ज़्यादा महिला को लेके संवेदनशील हैं, और हम लड़की हैं, लड़ सकती हैं, इनकी नेता जो कहती रहती हैं, तो कहाँ है ये? तो पूरी बढ़ती जा रही है संख्या, ये आंकड़े हमारे थोड़ी हैं, ये हमारे थोड़ी आंकड़े हैं। कार्रवाई, हम लोग सड़क पे उतरते हैं ना, आप देखिए हमारी पार्टी नियमित, दो दिन पहले भी हम लोग सड़क पे उतरे थे जो जालुकपुरा वाले घटना पे लेके, तो जो विरोध में रहते हुए विपक्ष की भूमिका में हम लोग कार्य कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। अब कोई पत्थर भाटा लेके तो मारने किसी को नहीं जाएंगे ना, सरकार में और विरोध में जो हमारी कार्रवाई होती है वो हम कर रहे हैं, सवाल जवाब सरकार से कर रहे हैं, पर सरकार हमारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं होती है। मैं पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते कई बार मुख्यमंत्री, क्योंकि गृह मंत्री वो हैं, उनको पत्र लिखती हूँ, विषय के बारे में संज्ञान लेने के लिए कहती हूँ, पर मुख्यमंत्री जी का ट्विटर दूसरे कार्यों में, देश से राजस्थान से बाहर तो बहुत कार्य करता है लेकिन राजस्थान के विषयों पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। राजस्थान रेप के मामले में नंबर वन पर है, राजस्थान वुमेन एट्रोसिटी के मामले में नंबर वन में है, और जो मुकदमे कोर्ट के थ्रू दर्ज होते हैं 156(3) के इस्तकासा से, उस मामले में भी राजस्थान पूरे देश में नंबर एक पर है। राजस्थान के थानों में FIR दर्ज नहीं होती है, FIR दर्ज नहीं होती इसलिए लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं, और उसके मामले में भी राजस्थान नंबर एक पर है। मुझे बहुत आशा है अरुण जी आपसे कि जो मैंने आपको RTI के जो डाटा बताए 14,441 इस प्रदेश में पॉक्सो के मामले दर्ज हुए, पॉक्सो के, इसके ऊपर आप सरकार से सवाल पहुंचने की जहमत उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, पता नहीं कहाँ खोए रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता, आओ चाय पीते।